हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, उसमें क्या है, अगर डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा। तो मैं आपको जो इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बिल्कुल हटके होगी, आप भी फर्स्ट टाइम ये आपके सामने शायद ही फेस हो जो मैं आपको बताऊँगा, या फिर हो सकता है इससे पहले भी ये दिक्कत आई हो। बट आप इस वीडियो को अगर कम्प्लीट वॉच करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसको फिलहाल ओपन करके सब कुछ उसके बाद ही मैं आपको दिखा दूँ क्या होता है अगर डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है। आपका जो वायुमंडल फ्यूज है वो भी ठीक है, या फिर आपका सैमसंग का डबल डोर रेफ्रिजरेटर तो वहाँ पर क्या होता है, NTC सेंसर होता है, या फिर गोदरेज का होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वो भी NTC सेंसर होता है। तो वहाँ पर जो होता है आपका सेंसर होता है जो कूलिंग को सेंस करता है। यहाँ पे फिलहाल जो दिक्कत है वो फिलहाल पहले आप ये सुन लें कि अगर आपकी फ़ैन मोटर है 220 वोल्ट पे रन करती है तो वो फ़ैन मोटर क्या होता है, अगर आपकी चलती है ठीक है, या फिर जो सेंसर है जो सेंसर कॉइल पे लगे होते हैं वो सेंसर भी ठीक है, फिर भी वहाँ पे जो है डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही। आपके अंदर जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर हीटर लगा होता है, वो हीटर जो होता है वो भी ठीक से काम करता है और वहाँ पर फिर भी कूलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। एक तो रीज़न ये होता है कि आपकी फ़ैन मोटर है चलते चलते रुक जाए, या फिर फ़ैन मोटर जो है वो अटक अटक के चलती है, तब वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है, क्योंकि फ़ैन मोटर जब तक ठीक से नहीं चलेगी तो वहाँ पे कूलिंग नहीं होगी। तो एक चीज़ तो ये होती है, एक रीज़न ये होता है। तो आप सबसे पहले इसको है कि फ़ैन को भी देख लें, नीचे डाउन पार्ट में फ्लो आ रहा है फ़ैन का या नहीं आ रहा है, वो आप यहाँ पे हाथ लगा के ओपन कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या डोर स्विच जब वो हम इसको प्रेस करते हैं फ़ैन चल जाती है थोड़ी बहुत देर, फिर अटक रही है, इस तरीके से ये दिक्कत आ रही है। मतलब एक रीज़न है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, बाकी इसमें जो प्रॉब्लम है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिर बात करते हैं कि फ़ैन मोटर जो है उसका, आप अगर इस तरीके की दिक्कत है तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि फ़ैन मोटर जब अटक अटक के चलेगी, या फिर बॉडी में अटैच होती है, फिर बुश उसके ठीक से नहीं होते हैं, जो रॉड के लगे होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, तब ये दिक्कत आती है। तो आप पहले बॉडी को देख लें, अगर आपकी फ़ैन मोटर यही हरकत कर रही है तो उसको आप रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ तक हो गया क्लियर कि अगर आपकी फ़ैन मोटर रुक रुक के चल रही तो जाहिर सी बात है नीचे नहीं जाएगी। उसके बाद बात करते हैं वायुमंडल फ्यूज की। वायुमंडल फ्यूज क्या होता है, अगर वो कूलिंग को सेंस, ये कूलिंग को सेंस करता है, अगर कूलिंग को सेंस नहीं करता है तो वहाँ पर ओवर आइस जमेगी, ओवर आइस जमेगी तो इसी वजह से डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होगी। अगर फ़ैन नहीं चलेगा तब भी आपकी ओवर आइस जमेगी और डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं होगी। अब पार्ट में तो कूलिंग होगी बट नीचे नहीं होगी, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपका जो सेंसर है, सेंसर अगर कूलिंग को सेंस नहीं कर रहा तब भी ये दिक्कत आएगी। और आपने क्या है, जो वायुमंडल फ्यूज है वो भी आपने चेंज कर दिया, उसके बाद भी अगर वहाँ पे कूलिंग नहीं हो रही, अगर हीटर आपका ख़राब है, हीटर भी चेंज कर दिया उसके बाद भी कूलिंग नहीं हो रही है नीचे, तो क्या फॉल्ट हो सकता है। अगर आपका सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर सैमसंग का, वहाँ पे क्या NTC सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर जो है आपने रिप्लेस कर दिए, और अगर उसका भी हीटर आपने रिप्लेस कर दिया, अगर हीटर ख़राब है, सेंसर भी ख़राब है, फिर भी मतलब उसकी फ़ैन मोटर भी चल रही है और फिर भी कूलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट हो सकता है। अगर आपकी वर्क बहुत ज़्यादा मेल्ट करनी है तो आपको वर्क बहुत ज़्यादा है, गर्म पानी लें, उसके बाद मग से इस तरीके से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई रिस्क नहीं। इस तरीके से आप बर्फ़ को मेल्ट कर सकते हैं, इससे क्या होता है आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि वैसे अगर आप इस आइस को तकरीबन अगर मेल्ट होगी तो कम से कम 3-4 घंटे ले जाएगी, ज़्यादा भी ले जा सकती है, क्योंकि अगर आप गर्म पानी लेंगे, गर्म पानी कर सके उसके बाद बैक साइड से क्या होगा, ड्रेन ट्रे में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये ब्लॉक है तो आप इसमें पाइप डालें, जहाँ पे पाइप में मतलब एक वायर डालें, उसके बाद ये ओपन हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, जो सारा आइस है वो एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया, और यहाँ पे अगर गर्म पानी जल्दी लेंगे, गर्म पानी इसके होता है जितनी भी आइस होती है सारी मेल्ट होकर पैक साइड ड्रेन ट्रे में पानी चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आइस ओवर होती है तो वहाँ पे टाइम लगता है। तो अभी क्या है, मैं हीटर आपको चेक करके दिखाता हूँ। दूसरी उस वाले पॉइंट पर रखना, उसके बाद क्या है, मीटर में जो क्वांटिटी की रेंज पे मीटर को सेट कर देना, उसके बाद मीटर में एक अलार्म का साउंड आएगा, ठीक है। अगर अलार्म का साउंड आता है तो इस कंडीशन में आपका जो हीटर होता है वो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करता है, हीटर एकदम ठीक होता है। पास से दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों वाले पॉइंट पे लगाता हूँ, ठीक है। आप देख रहे हैं इस समय जो हीटर है हमारा एकदम रनिंग कंडीशन में ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर होगा, हीटर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी आइस आ रही है और डाउन बाउंड में कूलिंग नहीं हो रही है, फिर आइस नहीं आ रही है, आपने क्या करा, जो हीटर है हीटर भी देख लिया, हीटर ठीक है, उसके बाद आपने वायुमंडल फ्यूज देखा, या NTC सेंसर है डबल डोर रेफ्रिजरेटर वो देखा, वो भी ठीक है, उसके बाद भी डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही। और एक चीज़ और, आपका जो फ़ैन मोटर है वो भी ठीक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको देखना है कि
जो फैन मोटर है उसके जहाँ पे आपने फैन मोटर का कनेक्ट कर रहे हैं, जैक लगा रहे हैं, तो वहाँ तक वोल्टेज ठीक आ रहे हैं या नहीं, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। अगर आपका नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है तब, और अगर आपका इन्वर्टर मॉडल है तो वहाँ पर डीसी वोल्ट पर वर्क करता है, तो 15 या 12 डीसी वोल्ट पर वर्क करता है वो फैन मोटर। तो फिलहाल क्या है, यहाँ पे 220 एसी वोल्ट आने चाहिए यहाँ तक, ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट करना है, क्योंकि ये जो फैन मोटर होता है 220 वोल्ट पे रन करता है। अगर यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 155 154 इस तरीके से वोल्टेज है, 155 तकरीबन यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, 156, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एसी वोल्ट 220 से 230 एसी वोल्ट आना चाहिए। अगर वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आप स्टेबलाइजर का यूज़ करें, जिससे कि यहाँ तक अगर वोल्टेज कम आएंगे तो आपकी फैन मोटर की स्पीड स्लो होगी, इसी वजह से वहाँ पर जो होता है डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती है, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ तक एक चीज़ क्लियर हो गई, सेंसर अगर आपका ठीक है और वहाँ पे फैन मोटर भी ठीक है, प्लस आपका हीटर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चोकिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक है, आइस भी नहीं जम रही, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी नीचे कूलिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या रीज़न होता है और क्या दिक्कत आती है ऐसी, सब कुछ ठीक है फिर भी डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, सब कुछ ठीक होता है उस समय। बस जो दिक्कत होती है वो ये होती है, आपका जो फैन मोटर होता है, जो फैन मोटर ठीक है उसको आपको देख लेना, उसका ब्लोअर अगर बहुत ज़्यादा डस्टी है, उसका ब्लेड बहुत ज़्यादा डस्टी है, उसको साफ़ करते हैं। अगर फ़ैन मोटर की ऐसा होता है कि फैन मोटर चलता है आपको लगता है ठीक है, तो एक दिक्कत मेरे सामने ये आई कि LG का फिरिस्ता, उसमें क्या होता है, फ़ैन मोटर जो लगी होती है वो उसकी स्पीड स्लो होती है। सब कुछ मैंने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक था, और भी टेक्नीशियन वहाँ से लौट गए, तो मैंने क्या करा, जिसकी फ़ैन मोटर है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद कस्टमर से पूछा, उसके बाद जो दिक्कत थी वो दूर हो गई और नीचे कूलिंग करने लगा, उसकी स्पीड जो थी स्लो थी, उसके बाद मैंने फैन मोटर जो है न्यू इंस्टॉल कर दी, उसके बाद जो दिक्कत थी वो दूर हो गई। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से कर लें, उसकी फ़ैन मोटर सीधी रिप्लेस कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अगर आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल न्यूज़ डिट के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।